हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1, हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट की 3 कैटेगरी है, ट्री, श्रब्स एंड देन हर्ब्स। हर्ब्स जैसे कि धनिया, जिसके पास वुडी पार्ट नहीं होगा, वुडी लकड़ी वाला हिस्सा नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हर्ब्स किसको कहा जाता है? तो दिमाग में पक्का ध्यान से रखना, हर्ब क्या चीज है। कौन से पौधे? जिनके पास लकड़ी जैसे हिस्से नहीं होंगे। फिर श्रब आते हैं, छोटे झाड़ियां टाइप, एंड देन ट्री, तो ट्री है। हर्ब एज अ हेल्थ फूड, हर्ब खाओ और क्या होगा? हेल्थ बनाओ। हर्ब्स खाओ, हेल्थ बनाओ, ठीक है। हर्ब एज अ हेल्थ फूड, क्या पढ़ना है इनके बारे में? इनको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और इनका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें एक सबसे पहला टर्म आएगा, न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स? न्यूट्रा, न्यूट्रिशन, और स्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां और न्यूट्रिएंट्स। खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और फार्मास्यूटिकल दवाइयों की तरह जो दवाइयां होती हैं। तो अगर खाना ही दवाई का काम करने लगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रास्यूटिकल्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मोटा मोटा देखो, अगर एक बात करें, जैसे मैंने कहा खाना ही दवाई की तरह काम करे, तो कहीं ना कहीं हम पढ़ के आ रहे हैं एक तरह आयुर्वेदिक, मतलब जड़ी बूटियां टाइप की चीज़ ना जो खाते हैं, मतलब खाना। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग क्यों आ गया? दिमाग में आता होगा यार, हम तो जैसे जड़ी बूटियां वगैरह पढ़ ली, वो भी तो चीज़ आ गई। नहीं, हम कुछ खाना ऐसा खाएंगे रोजमर्रा में जो खाना खाते हैं, जो हमारी दवाई की तरह काम करेगा, इसीलिए न्यूट्रास्यूटिकल एक अलग ब्रांच, ठीक है। अदरवाइज हर्ब्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। बात समझ में आई? तो आओ देखिए न्यूट्रास्यूटिकल क्या कहता है हमारे लिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर बातें होंगी, और बातें क्या हैं? द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल कंबाइंस द टू वर्ड, ये दो वर्ड्स को कंबाइन करता है। दो वर्ड कौन से? न्यूट्रिएंट्स, पता ही है, पोषक तत्व, विच इज अ नरिशिंग फूड कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंपोनेंट का नरिशिंग पार्ट, वो हिस्सा जो हमको नरिश करेगा, हमको पोषक तत्व देगा। एंड फार्मास्यूटिकल, विच इज अ मेडिकल ड्रग। फार्मास्यूटिकल्स मेडिकल ड्रग्स को कहते हैं। अच्छा, दिस नेम वॉज कॉइंड बाय 1989, यानी कि बहुत जल्दी की बात है अभी, बाय स्टीफन डी फेलिस, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन, ठीक है, विच इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन क्रैनफोर्ड, न्यू जर्सी। खैर, किस कंट्री का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने दिया? स्टीफन डी फेलिस ने दिया। तो न्यूट्रिएंट और फार्मास्यूटिकल्स, ध्यान रखना यहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम रोज खाना खाते हैं, उससे मतलब है, ठीक है। तो आओ देखें आगे क्या बात हो रही है। तो अब क्या कह रहा है? सिंपली न्यूट्रास्यूटिकल्स मींस, अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स सिंपल लेके आ जाए, और सिंपल करना है, न्यूट्रिटिव प्लस फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रिएंट प्लस फार्मास्यूटिकल, अ फूड स्टफ, एक ऐसा खाना, ठीक है ना, That provides health benefit. अब तुम कहोगे सर सारे ही खाने तो health बनाते हैं? नहीं, बात समझना जरा। हमें ताकत मिलना एक अलग बात हो गई, ठीक है ना, और health benefit, यहाँ पे हम लोग खास करके बात करेंगे अगर कोई खाना खाएं और हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो वहां से यहाँ बातें ज्यादा correlate करी जाएंगी। No doubt खाना खाएंगे, health तभी बनती है। खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। लेकिन अगर खाना ना खाओ तो हमें कमजोरी आने लगती है, बीमारी नहीं होती है। ध्यान रखना, दोनों शब्दों में अंतर है। कमजोर होना और बीमार होना, दोनों में अंतर है। खाना नहीं खाओगे तो कमजोर होते चले जाओगे, और अगर बीमार हो और एक खास तरह का खाना खाओ और वो बीमारी ठीक हो जाए, दैट इज योर न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्लियर है? ठीक है, इसमें एक और चीज देख लें आप, फूड स्टफ, एक ऐसा खाना, एज अ फोर्टिफाइड फूड और डायट्री सप्लीमेंट। फोर्टिफाइड मतलब जिसके अंदर कुछ खास चीज ऐड की गई हो, इसका मतलब समझेंगे। फोर्टिफाइड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? कोई चीज एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किए। फोर्टिफाइड फूड आजकल कैसे आ रहे हैं मार्केट में? जैसे मैं बताऊं, आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हम चाह रहे हैं कि हम आलू खाएं। आलू के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। हम आलू खाएं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन सब मिल जाए। हम लोग क्या करेंगे उसके लिए? आलू के जीन्स में कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। वो एक्स्ट्रा एडिशन क्या करेगा? उस आलू के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लेके आ जाएगा। मान लो, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वो हमको कुछ मात्रा में थोड़ा सा
प्रोटीन भी देने लगे। बात समझ में आ रही है? तो फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मतलब हमने फूड जो नेचुरल था उस नेचुरली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था, हमने उसके जीन्स चेंज करके कुछ और चीज भी उसके अंदर ऐड कर दी। तो सिंपल न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसा फूड जो हमारी हेल्थ बनाएगा। क्लियर है? न्यूट्रास्यूटिकल इज अ सब्सटेंस दैट इज अ फूड और इट्स पार्ट, खाना हो सकता है या उसका कोई हिस्सा, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड अदर हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज को रोक सकता है, और हेल्थ प्रमोशन, और हमारी हेल्थ को बढ़ावा दे सकता है। तो मैंने क्या कहा, डिजीज यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि खाना ना खाओ तो मैंने कहा कमजोर पड़ जाओगे, है ना, बीमारी नहीं होगी। ओके आगे आते हैं। दे मे बी न्यूट्रास्यूटिकल क्या हो सकते हैं, आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट, हमने किसी के अंदर से कोई खास न्यूट्रिएंट निकाल दिया और उसको किसी तरीके से किसी रूप में किसी को दे रहे हैं, वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाएगा। डाइटरी सप्लीमेंट, हम कुछ खास खाना ही दे रहे हैं, डाइट हम कहते हैं डाइट। तो डाइट एक्चुअली क्या, हम एक खास खाना दे रहे हैं कि अच्छा ये बीमारी है, ये खास तरह का खाना दो टाइम या तीन टाइम खाओ तो उससे जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। जेनेटिकली इंजीनियरिंग फूड, देखो ये जगह जेनेटिकली इंजीनियरिंग, हमने किसी खाने के जीन्स बदल दिए हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एक खास केमिकल अब आ जाता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग हर्बल प्रोडक्ट, ये तो थी खाने की बात, अगर कोई हर्बल प्रोडक्ट है, कोई दवाई है जो कि कैसी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। बात समझ में आ रही है? ओके लाइट चली गई है, देखता हूँ मैं जरा क्या है इसका। ओके लाइट आ गई है तो स्टार्ट करें, असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रोसिटिकल्स, तो क्लासिफिकेशन की न्यूट्रोसिटिकल्स की अगर हम बात करें तो कई तरीके से क्लासिफाई हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट है वो यही है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, तो और भी दो तीन तरीके से करते हैं, जो बेस्ट हमारे पास आता है वो यही है, ट्रेडिशनल टाइप, कलर चेंज कर लें, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही, और नॉन ट्रेडिशनल, हम उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो ट्रेडिशनल में हम लोगों ने तीन कैटेगरी तोड़ी हुई है। कौन सी तीन कैटेगरी है? एक है केमिकल कॉन्स्टेंट, उसके अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके आधार पर न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, हर्ब्स कौन सा है, या फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो केमिकल्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है फाइटोकेमिकल्स। जैसे कि कैरेटिनॉइड है, फ्लेविनॉइड्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिंस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। केमिकल्स, केमिकल्स ये भी हैं बट ये कुछ अदर वैरायटी वाले केमिकल्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें पोषक तत्व देते हैं। ठीक है, हर्ब्स हो गए। देन प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक को डिटेल में समझेंगे अभी हम लोग। ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हमारे आंतों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि हमारी आंतों में काफ़ी हेल्प करते हैं खाना को पचाने में और कई सारी बीमारियों को रोकने में, तमाम चीज़ों में हेल्प करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं कुछ जो हमारी हेल्प करते हैं। देन नॉन ट्रेडिशनल में फोर्टिफाइड और रिकॉम्बिनेंट। फोर्टिफाइड जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, हम लोग कोई चीज़ जीन्स बदल करके उसके अंदर के केमिकल्स या न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं, और रिकम्बिनेंट, ठीक है, रिकम्बिनेंट में क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जीन्स को चेंज कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो आओ इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लें हम लोग, जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो पहला है ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, कौन सा है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं परंपरागत, है ना, क्या कहते हैं, परंपरागत मतलब जो जैसी चीज है वैसे की वैसी। ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स आर सिंपली नेचुरल विद नो चेंज टू द फूड, फूड में कोई चेंज नहीं किया, एग है एग खा लिया, कोई चेंज नहीं है, नेचुरल था वैसा वैसा ले लिया, एप्पल है खा लिया, तो जो चीज जैसी है वैसे की वैसी खा रहे हैं हम लोग। फूड कंटेन्स सेवरल नेचुरल कंपोनेंट्स दैट डिलीवर बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन, फूड के अंदर कई सारे नेचुरल कंपोनेंट होते हैं जो डिलीवर देते हैं बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो देते ही हैं हमें, जो हमारे प्रॉपर हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं, उसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देते हैं, सच एज लाइकोपीन इन टमेटो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सैल्मोन और सैपोनिन इन सोय। तो लाइकोपीन हमको पता होगा आज की डेट में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट?
ये भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग है हमारे पास पढ़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को, तो उसको डिटेल में समझेंगे हम लोग। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना। तो ये सब क्या है हमारे पास, कई सारी बीमारियों को भी ये दूर करने में हमारी हेल्प करते हैं। आगे दे आर ग्रुप्ड, इनको हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है कैसे, मैंने वैसे बताया था केमिकल कॉन्स्टेंट, केमिकल के आधार पर। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सच एज विटामिंस मिनरल्स अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड, ये मिनरल्स हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स से मतलब ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स के तौर पर अगर हम इसको क्लासिफाई कर लें, एस्टैब्लिश्ड न्यूट्रिशनल फंक्शन, ये न्यूट्रिशन देते हैं हमारी बॉडी को। मोस्ट वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल की बात करें होल ग्रेन सीरियल्स, दालें हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, है ना, दूध वगैरह, फ्रूट है, एनिमल प्रोडक्ट है, फ्लैश मीट वगैरह सच एज मीट एंड पोल्ट्री कंटेन विटामिन एंड आर हेल्पफुल इन क्यूरिंग हार्ट डिजीज, ये सब हार्ट डिजीज को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और कैटरैक्स जो मोतियाबिंद वगैरह होता है आंखों में, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी। आगे करते हैं हर्बल्स, ठीक है। न्यूट्रोसिटिकल्स होल्ड्स अ ग्रेट प्रॉमिस टू इंप्रूव हेल्थ एंड प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज विद द हेल्प ऑफ हर्बल्स। हर्बल्स मतलब पौधे, जो हर्ब्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या है, काफी सारी डिजीज हम लोग ठीक कर पाते हैं जो कि न्यूट्रोसिटिकल के अंदर आता है। सम एग्जांपल्स आर विलो बार्क, जिसे हम सेलिस निग्रा भी कहते हैं, हैविंग ए एक्टिव कंपोनेंट सच एज सेलिसिन विच इज, ओके ये लाइन यहां होनी चाहिए थी, विच इज एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। एनाल जैसी पेन पेन कम करता है, एंटी पायरेटिक बुखार को हटाता है, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी अर्थराइटिक जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। कौन, सेलिसिन, किसमें पाया जाता है, ये विलो बार्क में। अगर हमको ये इसमें से कोई दिक्कत है और इसको हम खाएं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये हमारी बीमारियों को कम करेगा। बात समझ में आ रही है। नाउ द फाइटोकेमिकल्स, फाइटोकेमिकल्स मैंने पहले बताया, जैसे कि प्लांट के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स को हम लोग फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम, हम लोग सिंपली इनको उनके नेम के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पहले पढ़ चुके कुछ जो स्टार्टिंग के चैप्टर, उनमें इनको डिस्कशन भी कर रखा है, ठीक है। जैसे कि कैरेटिनॉइड है, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या था, ओके पढ़ते हैं इसको हम लोग। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेम, उनके केमिकल नेम के आधार पर, गिवन अकॉर्डिंग टू देयर फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर जो हम लोगों ने उनको नाम दे रखे उसके आधार पर हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। जैसे कि कैरेटिनॉइड, जिसको हम आइसोप्रिनॉइड्स भी कहते हैं, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल और एग में पाया जाता है, आर एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर को रोकते हैं, बूस्ट नेचुरल किलर इम्यून सेल्स, जो इम्यून सेल्स होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में घुस जाते हैं उनको मारने का जो काम करते हैं, इसलिए हम इसको किलर सेल्स कहते हैं, उनको बूस्ट करता है, बढ़ाता है। प्रोटेक्ट कॉर्निया अगेंस्ट यूवी लाइट, जो धूप में निकलते हैं और आंखों पर सीधे क्या पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, उसको भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे आते हैं लेग्यूम्स, चिकपीस एंड सोयाबीन्स, ग्रेन्स, पाम ऑयल कंटेन नॉन कैरेटिनॉइड्स विच रिमूव कोलेस्ट्रॉल एंड एंटी कार्सिनोजेनिक, ठीक है ना। जो नॉन कैरेटिनॉइड्स होते हैं वो क्या है, रिमूव करते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और ये एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये भी कैंसर को रोकते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनोलिक्स आर फाउंड इन बेरीज, है ना, कुछ बेर होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स विच आर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं, उनको जो रोकेंगे उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। फाइटो एस्ट्रोजेंस प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकता है, प्रोस्टेट कैंसर एंड कंट्रोल डायबिटीज। तो देखो नाम के साथ कुछ उदाहरण दे दिए, फ्लेवोनॉइड क्या करता है, दो याद रख लिए, ठीक है ना, कैरोटीनॉइड क्या याद रखता है, दो याद कर रख लिए। तो एक एक क्या हो जाएगा, उदाहरण के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लकीर का फकीर नहीं बनना है भाई, पूरा याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं। अच्छा फाइटोकेमिकल्स, कैरोटीनॉइड याद है, क्या करता है ये, किलर सेल को बढ़ा, और एंटी कार्सिनोजेनिक है, किसमें पाया जाता है, फ्रूट वेजिटेबल में होते हैं। फ्लेविनॉइड्स, अच्छा ये क्या करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल में यही पाए जाते हैं, क्या काम करते हैं ये, ब्रेस्ट कैंसर को रोकते हैं और डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से दो दो चीज़ें दिमाग में हिंदी में ही सेट कर लेनी है, बात समझ में आ रही है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे लिख देना है, आंसर खत्म। देन प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ठीक है, प्रीबायोटिक क्या है और प्रोबायोटिक क्या, देखो प्रीबायोटिक क्या होते हैं, प्रीबायोटिक इज अ नॉन डाइजेस्टिबल कंपोनेंट, एक ऐसा खाना जो पचेगा नहीं। अरे पचेगा नहीं तो क्या फिर पेट खराब हो जाएगा, नहीं भाई,
पचेगा नहीं बट विच इज बेनिफिशियली अफेक्ट द होस्ट, होस्ट मतलब जिसने उसको खाया है, बाय सिलेक्टिवली स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ कोलोनिक बैक्टीरिया। कोलोनिक मतलब हमारा इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है ना कोलोन, यहां पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इन बैक्टीरिया के लिए ये फायदेमंद होते हैं कौन, प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक एक तरह से क्या है, एक केमिकल्स है, कुछ एक तरह का बैक्टीरिया का खाना है। प्रीबायोटिक के अंदर कौन कौन आते हैं, मेनली फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर इनको हम खाते हैं, इन बैक्टीरिया की सेहत अच्छी होती है, इन बैक्टीरिया की सेहत अच्छी होगी तो ये हमारी आंत को अच्छा रखेंगे, वो खाना अच्छे से पचाएगी, हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी सेहत अच्छी होगी, है ना। आगे आते हैं, प्रीबायोटिक्स आर द न्यूट्रिएंट दैट आर बैक्टीरिया यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स। तो सिंपल सी बात होगी, प्रीबायोटिक वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको बैक्टीरिया एज अ फ्यूल सोर्स अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है। दीज इंक्लूड डाइट्री फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर कौन कौन है, डाइट्री फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बात समझ में आ गई। तो प्रीबायोटिक क्या है, क्लियर हो गया। प्रोबायोटिक ये अपने कोर्स में है। तो क्या होते हैं प्रोबायोटिक, सब्सटेंस दैट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। ऐसी चीजें जैसे कि दही, दही के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएं, ऐसे सब्सटेंस को प्रोबायोटिक कहते हैं। और जब जाएंगे डायरेक्ट हमारे पेट में तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए लाभकारी होते हैं, ठीक है ना। अब यही बैक्टीरिया यहां होते हैं, इनको, इन बैक्टीरिया की सेहत अच्छी बनी रहे उसे प्रीबायोटिक कहते हैं। क्लियर हुआ, दैट आर बेनिफिशियल टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोबायोटिक। होस्ट में फिर बता रहा हूं, होस्ट मतलब जो इनको खा रहा है। जैसे मैंने खाना खाया, दही खाया, तो बैक्टीरिया मेरे अंदर गया तो मैं होस्ट हो गया बैक्टीरिया के लिए। अच्छा ये सब बातें क्या होती है ना, कई बार जैसे मान लो मैं बता दिया फटाक, तो पॉज करो और लिख लो, अच्छा होस्ट का मतलब ये होता है। अगर नहीं पता है तो, पता है तो अच्छी बात है। द नॉर्मल ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन अबाउट 400 टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। नॉर्मली 400 टाइप के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया डेट प्रमोट हेल्दी डाइजेशन। ये बैक्टीरिया काफी अच्छे होते हैं ना, ताकि हमारी जो डाइजेशन है काफी अच्छा बना रहे, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, और ये हेल्प करते हैं कुछ खास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी। बात समझ में आ रही है, ओके। अब क्या कह रहा है, दे एक्ट टू क्राउड आउट पैथोजन। ये जो पैथोजन्स होते हैं उनको बाहर धकेलने में, कि बाहर भाग जाओ तुम लोग, सच एज ईस्ट अदर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, कुछ वायरसेस डेट मे अदरवाइज कॉज डिजीज। तो ये क्राउड आउट, उनकी भीड़ कम करते हैं, किनकी, ऐसे बैक्टीरिया ईस्ट और वायरस की जो हमको बीमारी दे सकते हैं, अगर हमारे हाथों में वो चीज मौजूद है तो ये उनको क्या करे, क्राउड आउट मतलब बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। दे डेवलप म्यूचुअली एडवांटेजियस सिम्बियोसिस विद द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। सिम्बियोसिस मतलब सिम्बियोटिक पता है ना क्या होता है, तुमको ही फायदा हमको ही फायदा, ठीक है। तुम हमारी बॉडी कह रही है बैक्टीरिया से, तुम हमारी हमको बीमारी से बचाओ और हमको पचाने में हेल्प करो, बदले में हम तुम्हें रहने की जगह दे देंगे, कुछ खाना दे देंगे। तो सिम्बियोसिस, दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दे हैव एन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट थ्रू मॉडिफाइंग द माइक्रोफ्लोरा। इनके जो इफेक्ट होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल से हैं। अब ये खुद एक माइक्रोब है, लेकिन दूसरे माइक्रोब जो हमारे लिए डिजीज पैदा करेंगे उनके लिए एंटी माइक्रोबियल काम करते हैं। मॉडिफाइड द माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा मतलब हमारे आंतों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फ्लोरा और फौना जो होते हैं, जैसे प्लांट पौधे वगैरह जो रहते हैं, ठीक है ना, जो हमारे आंतों का जो एनवायरमेंट है ना उसको पूरा बदल देते हैं, कि जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रिवेंटिंग, अब ये कैसे कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग द एडहेशन ऑफ पैथोजन टू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये रोक देते हैं कि जो पैथोजन होता है, अच्छा जैसे ये आंत है सपोज, तो पैथोजन, ये मान लो पैथोजन, ये क्या करेगा, आंत की जो सबसे ऊपर की परत है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियम, इससे जाकर चिपक जाएगा। जब से चिपक जाएगा तो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, कुछ ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि इसे चिपक ही नहीं पाएगा, आगे ही पास होता चला जाएगा और फिर पॉटी से बाहर हो जाएगा। कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर पैथोजन सर्वाइवल। इस पैथोजन को जो मान लो ये आंत है, खाना आ रहा है, इसको भी खाना खाना है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना यहां पर, वो क्या करते हैं, जो खाना इसको खाना है, इस पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग करने वाले को, तो बैक्टीरिया उस खाने को खुद खा लेगा, इसके पास बेचारे के पास खाना पहुंचेगा नहीं, भूखों मर जाएगा ये, ठीक है। आगे आते हैं, प्रोड्यूसिंग एन एंटीटॉक्सिन इफेक्ट। अगर इसने कोई टॉक्सिक प्रोड्यूस कर दिया है
तो ये वाले बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छे हैं वो इस टॉक्सिक को एंटी कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब रोक देंगे, एंड रिवर्सिंग सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फेक्शन. अगर इन्होंने कोई इन्फेक्शन पैदा कर दिया है तो उस इन्फेक्शन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ऑन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम. ये सारे काम कहां करते हैं, ये वाले पैथोजन इंटेस्टाइन के एपिथेलियम में. तो इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किस तरीके से प्रोबायोटिक हमारी हेल्प कर रहे हैं. आगे आते हैं, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. सबसे बड़ा ग्रुप जो हमारी बॉडी में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ना. प्रोबायोटिक कैन क्योर लैक्टोज इंटॉलरेंस. अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, दूध पीने से एलर्जी है, लैक्टोज जाएगा बॉडी में, एलर्जी पैदा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये बैक्टीरिया ना उसको भी रोकते हैं. कैसे, ये क्या करते हैं, अच्छा बीमारी हो क्यों जाती है, अब होता क्या है, जो लैक्टोज होता है उससे क्या है, जैसे लैक्टोज जा रहा है तो लैक्टोज से क्या है, एलर्जी पैदा हो रही है. बट ये करता क्या है, बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, ये खास तरह का एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस पैदा करेंगे, डेट कैन हाइड्रोलाइज द ऑफेंडिंग लैक्टोज इनटू कंपोनेंट शुगर. ये तुरंत उस लैक्टोज को तोड़ देता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है ना. तो लैक्टोज खत्म, लैक्टोज से एलर्जी थी, लैक्टोज टूट करके जिन दो शुगर में आ गया, लैक्टोज टूट करके जो दो शुगर बन गए उसके और फर्दर ग्लूकोज और लैक्टोज, उससे एलर्जी नहीं है. तो ये क्या करता है, फटाफट उस लैक्टोज को तोड़ने में भी हेल्प करता है. अब थोड़ी सी बात यहां लिखी हुई कि आखिरकार ये प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट आया तो आया कहां से. तो बच्चों, प्रोबायोटिक के कॉन्सेप्ट के लिए साइंटिस्ट मेचिनकोव, इनका बड़ा योगदान है, ठीक है ना. अगर हम बात करें बुल्गेरियन योगर्ट की, कैसे योगदान है, बुल्गेरियन योगर्ट में योगर्ट दही होता है जो पॉपुलर है काफी, इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है, ठीक है. मतलब हम लोग अपने यहाँ कंट्री में जो दही होता है इंडिया का अपना, उसको खाएं तो डायरेक्ट खाने में थोड़ा अचकाचा लगता है, नमक या चीनी डालनी पड़ती है, बट ये बड़ा बड़ा टेस्टी होता है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है. खुशबू बड़ी अच्छी होती है, क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है. क्वालिटी अराइज फ्रॉम, अच्छा इसकी क्वालिटी आती कहां से, इसके अंदर खास बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस पाए जाते हैं इसके अंदर, इनकी वजह से इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा होता है. अच्छा, जो मेचिनकोव थे इन्होंने क्या नोटिस किया कि जो टॉक्सिक फ्लोरा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे आंतों में जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस जो फ्लोरा पाए जाते हैं, अगर हम इसको खाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, होस्ट फ्रेंडली कॉलोनी बैसिलस बुल्गारिकस. ये जो होता है ये इस टॉक्सिक फ्लोरा को ना खत्म कर देता है, या फिर यूं कह लो कि हमारी आंत जो गड़बड़ होती है उसको ये ठीक कर देता है. तो इस हिसाब से इन्होंने बड़ा वर्क किया हुआ है इसके ऊपर, मैंने तो चार लाइनों में यहां लिख दिया है. तो एक्चुअल में इन्होंने बड़ा वर्क किया इसके ऊपर, बहुत काम किया और पाया कि ये बैसिलस बुल्गारिकस जो हमारा टॉक्सिक फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन को, इसको खत्म कर देता है और हमारी आंतों को ठीक कर देता है ये, ठीक है ना. काफी बड़ा वर्क है इनका, वो अपने को अभी यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे उसको. तो यहां से इनका बड़ा रोल रहा है मेचिनकोव का इस काम को, मतलब इस प्रोबायोटिक को लेकर के, और फिर अपने आप में एक बड़ा टॉपिक बन गया. आजकल आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक यानी कुछ आर्टिफिशियल का इन द सेंस है, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे ढूंढे जा रहे हैं, या बैक्टीरिया के अंदर आर्टिफिशियल क्यों बोल रहा हूं, उनके अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जा रही है, उनके जीन्स चेंज किए जा रहे हैं जिससे कि वो ऐसे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है ना. नाउ थर्ड वन इज न्यूट्रोसिटिकल एंजाइम्स. एंजाइम्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, हमको सबको पता है एंजाइम्स के बिना कोई रिएक्शन होती नहीं है, है ना. विदाउट विच आवर बॉडी वुड सीज टू फंक्शन, उसके बिना हमारी बॉडी सीज कर जाएगी अपना काम करना, रोक देगी, बंद कर देगी. दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपोग्लाइसेमिया, अगर किसी को हाइपोग्लाइसेमिया है, ब्लड शुगर डिसऑर्डर है जो कि एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, किसी को मोटापा है, एलिमिनेट द सिम्टम्स बाय एंजाइम सप्लीमेंट. ये सारे सिम्टम्स हम लोग एंजाइम्स, खास तरह के एंजाइम्स की मेडिसिन आती है आजकल जो हमारी बॉडी में जाकर काम करती हैं, एंजाइम की सप्लीमेंट दे करके डाइट में हम लोग इन सबको ठीक कर सकते हैं. दिस एंजाइम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल सोर्स. ये एंजाइम्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो किसी माइक्रोब से, या प्लांट से, या एनिमल के सोर्स से. आगे आते हैं, नाउ द नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स. नॉन ट्रेडिशनल है ना, मैंने क्या बताया, नॉन ट्रेडिशनल क्या होगा, ये सब नेचुरल थे. नॉन ट्रेडिशनल हम लोग किस जीन्स में छेड़छाड़ कर देंगे, किसमें करेंगे, जीन्स में छेड़छाड़ कर देंगे. क्लास 12th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना बायोटेक्नोलॉजी, है ना, वहां पे रोजी काओ, बीटी कॉटन, जीन्स में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बदलाव ले आते हैं. ओके, नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स आर आर्टिफिशियल फूड्स
आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये नहीं कि हाथ प्लास्टिक इलास्टिक के बना दिए गए, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जीन्स बदल दिए जाते हैं इनके, प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फूड सैंपल कंटेन बायोएक्टिव कंपोनेंट, उसके अंदर बायोएक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो हमको फायदा पहुंचाएंगे, विच आर इंजीनियर्ड। इंजीनियर्ड का मतलब उसके अंदर क्या कर दिया गया, जीन्स को काट पीट के लगा दिया गया है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन वेलनेस। दे आर क्लासिफाइड एज फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स। फोर्टिफाइड में मैंने क्या बताया था, हम लोग उसके अंदर न्यूट्रिशनल का कंटेंट बढ़ा देते हैं। मान लो पहले 2 ग्राम पाया जाता था, अब उसके अंदर 4 ग्राम पाया जाएगी कोई चीज होगी तो, ठीक है। इट कंस्टिट्यूट फोर्टिफाइड फूड फ्रॉम एग्रीकल्चरल ब्रीडिंग और एडेड न्यूट्रिएंट्स एंड इंग्रेडिएंट्स। तो वही वाली बात बता रहा है कि एग्रीकल्चर की जो ब्रीडिंग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। एग्जांपल दे रहा है, ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विद कैल्शियम। अब ऑरेंज जूस के अंदर कैल्शियम आता है, जो जीन्स बदल दिए गए हैं तो हमें उसमें कैल्शियम मिल रहा है। सीरियल्स विद एडेड विटामिन, जो दालें मिल रही हैं अब उनके अंदर हमें विटामिन मिल जाती है। मिनरल्स एंड फ्लोर विद एडेड फॉलिक एसिड, जो आटा है उसके अंदर फॉलिक एसिड आ रहा है, बताओ गेहूं के अंदर फॉलिक एसिड मिलने लगा अब, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये, इसकी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। सम एग्जांपल्स आर मिल्क फोर्टिफाइड विद कॉलेकैल्सिफेरॉल यूज्ड इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब कॉलेकैल्सिफेरॉल के पाउचेस आते हैं, अगर किसी को बोन की प्रॉब्लम होगी तो खाता होगा बंदा, ठीक है ना, अब वो मिल्क में आ रहा है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक फोर्टिफाइड मिल्क विद बायफोडो बैक्टीरियम लैक्टिस HN019 यूज्ड इन डायरिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड सीवियर इलनेस इन चिल्ड्रन। तो ये देखो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फोर्टिफाइड मिल्क, मिल्क जिसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया है इसके अंदर, और ऐसा मिल्क जिसके अंदर बैक्टीरिया पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, डायरिया में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हर एक चीज में। तो अब फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब क्या है, खाना फूड जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है या कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करवा दिए जीन्स में चेंज करके। नाउ रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड सच एज ब्रेड अल्कोहल फर्मेंटेड स्टार्च योगर्ट चीज विनेगर एंड अदर आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, अगर हम लोग कुछ खाना खास तरह का बना रहे हैं, देखो यहां पर हमने क्या किया, खाना नहीं बनाया, यहां हमने उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर दिया, अब हम कुछ खास तरह का खाना ही बनाएं, फूड ही बना दें कुछ, ठीक है, ब्रेड है, अल्कोहल है, कोई नए तरह का दही, कोई चीज है, ठीक, कैसे, रिकॉम्बिनेंट जीन्स के अंदर चेंजेस ला करके, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जीन्स जीन्स की बातें यहां हो रही है, तो मेरी समझ से अभी तुम लोग जस्ट पिछले साल इंटर वगैरह किया होगा, पिछले साल उससे पिछले साल में, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर पढ़े थे, याद होंगे, बस वही सारी बातों का अगर दिमाग में रहेगा तो इसको समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्लियर है बातें। नाउ थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, थेरापेटिक एप्लीकेशन देख लेना क्या है, जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें तो मेरे पास यहां पर क्या क्या है, ल्यूटिन और जियाजेंथिन आई हेल्थ के लिए, फॉस्फोटाइडाइल टाइडाइल सेराइन डोकोसा हेक्साइनोइक, ठीक है, आइसोफ्लेवोन्स ये मेंटल हेल्थ के लिए है, मेलाटोनिन स्लीप इन्हेंसमेंट के लिए है, टी लाइकोपिन फ्लैक्सीड कैंसर प्रिवेंशन के लिए है। तो किस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स डिजीज को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, डिजीज अलग अलग बीमारी में काम आ रहे हैं, इसके साथ साथ किस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज, ये क्या आ गया, प्रिवेंशन, वहां बीमारी थी और ये खाओ तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी, यहां बीमारी होने से रोकेगा कैसे, अगर मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड खाऊंगा तो कार्ड दिल की बीमारियां नहीं होंगी, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर के लिए ग्लूकोसामाइन खाऊं, क्रिएटिन खाऊंगा तो पार्किंसन डिजीज से बचा रहूंगा, डायटरी फाइबर लूंगा तो ओबेसिटी नहीं होगी, ठीक है, बीटा कैरोटीन खाऊंगा तो अल्जाइमर्स नहीं होगा, सोय प्रोटीन खाऊंगा डायबिटीज नहीं होगी, लाइकोपिन और टी खाऊंगा तो कैंसर नहीं होगा। तो इनको खाओगे तो ये ऐसा नहीं कि होएंगे ही नहीं कभी, मतलब बचे रहोगे, ठीक है, अगर संभावना है तो इनको खाओ तो इनसे आप क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। तो यही इसका क्या था, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन थी बच्चों। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अब इन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल में आगे जाके एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सारी हेडिंग्स हैं जिसको हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और आप लोगों का करना है, ठीक है, नोट्स का लिंक लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोगों को इसके बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है और रिवाइज करना है। क्लियर है, क्या करोगे, रिवीजन। ऑल द बेस्ट।